क्या लगता है जाहिद कौन जीतेगा आज? परवेज इलाही इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम मधुकारिया की एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे पास एक बहुत मज़े के शायर मौजूद हैं जो जदीद भी लिखते हैं, नुमाया शायर भी हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायरी के लिए भी काम कर रहे हैं। सारा कुछ अभी तो नहीं बता दूंगी, जैसी बातें कुछ बाद में भी बताऊंगी। जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं जाहिद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका दानिया। अच्छा, जैसे आपने काम के हवाले से कहा ना, नॉर्मली इस उम्र में, नौजवानी की इस उम्र में लोग दूसरे लोगों के लिए काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि अपनी अपने ऊपर हम काम करेंगे, अपने आप को मार्केट करेंगे, तो उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे कि आखिर क्यों कर रहे हैं। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताएं कि समझें कि शायरी एक खूबसूरत लड़की है, तोशीज़ा है, और वो आपसे कह रही है कि आज जाहिद साहब मुझसे मोहब्बत साबित करें, आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शायरी से ये दोशीज़ा वाली बात तो लाजमी बात है, एक पूरी एंटरटेनमेंट क्रिएट कर गई है इसमें तो, लेकिन ये कि शायरी से बहुत मोहब्बत है। अच्छा, शायरी मतलब जिस तरह हर शायर को तकरीबन इसी तरह होता है कि उसको बचपन से शौक़ होता है, या वो एक पूरे ख़ानदान में अकेला आदमी होता है जो शेर की तरफ मुतवज्जे होता है। अच्छा, या शेर उसे पसंद होते हैं, तो मुझे भी इस तरह शुरू से ही शेर पसंद है और मैं बाकायदा 2006-07 से शेर कहना शुरू हुआ हूँ, तो तब से शायरी से बहुत मोहब्बत थी। यानी इतनी मोहब्बत थी कि बहुत सारे अपने ज़रूरी काम जो हैं वो शायरी के पीछे हम लोगों ने छोड़ दिए। और क्या कर सकते हैं शायरी के लिए? शायरी के लिए मैं जैसे महबूबा, तो जो दोशीज़ा उसकी बड़ी डिमांड होती हैं, चांद ले आओ, जान दे दो, इतना पैसा, कुछ क्या कर सकते शायरी? ये मेरे से ज़रा ऐसी डिमांड्स जो हैं वो कोई नहीं करता, आपको पता ही है मेरा, मेरे से मज़ीद कुछ और दोस्तों की डिमांड्स होती हैं वो मैं मुकम्मल करता हूँ। इसके अलावा शायरी से मोहब्बत का जो मसला है ना, वो ये है कि हम सारे काम ही शायरी के लिए करते हैं। अच्छा, एक शायर का यही मसला होता है कि वो हर काम शायरी के लिए कर रहा होता है, और उसकी सोच होती है कि उसके सारे कामों के बाद में उसके पास शायरी आ जाए। शायर एक मुख्तलिफ आदमी होता है और वो बाकी जो समाज है उससे मुख्तलिफ होता है। कभी शायर होने की वजह से अकेलापन महसूस हुआ कि नहीं मैं बाकी जैसा नहीं हूँ, ये मतलब क्यों मैं डिफरेंट सोचता हूँ, या खुशी महसूस होती है कि नहीं मैं मुख्तलिफ हूँ? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना इस तरह मैसम शायरों के हवाले से ना हम लोगों ने अज्यूम की हुई होती है। तो मेरे हिसाब में ना शायर बहुत नॉर्मल आदमी होता है, हसास तो ज़रूर है, हसास है तो शेर तो कह रहा है, लेकिन नॉर्मल आदमी होता है। और मैं काम करता हूँ और उसके बाद शायरी भी साथ साथ चलती रहती है, और मुझे इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं महसूस होता। अच्छा, उस काम के दौरान में, क्योंकि शेर का तो कोई वक्त नहीं, शेर ने किसी वक्त भी आ जाना है, तो उसमें आप काम में ना हों, या अगर आप फ़र्ज़ करें कुछ काम नहीं करते हो, सिर्फ शायरी करते रहते हैं, तो क्या आप ख़ुद शायरी कर रहे हैं, बना रहे हैं आप शायरी? यानी आप सारा दिन बैठे हैं तो शेर ही बनाते रहें, ये इस तरह तो शायरी नहीं होती। शायरी है, आपके ऊपर उतरनी है और वो किसी भी वक्त में उतर सकती है, उसके लिए काम शाम कोई मायने नहीं रखते, और वैसे भी आदमी को मसरूफियत से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, और ज़्यादा एक्सपोजर शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सही है, काम की हम बात करें, मोहब्बत की, आपने काम तो कर रहे हैं, आप कितना किया और मोहब्बत कितनी की, कितनी मोहब्बतें हुई, कितनी कामयाब हुई, कितनी नाकामी हुई, कुछ इस बारे में बताएं। अच्छा, मेरी एक ही मोहब्बत है जो हुई और उसके बाद वो नाकाम हो गई। और उससे मोहब्बत नाकाम हो जाती है वैसे, कामयाब नाकामी का कॉन्सेप्ट है, या मतलब क्या समझते हैं आप, आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? बेसिकली आखिर में इकट्ठे रहना जो है ना, अच्छा, वो एक मंजिल समझी जाती है मोहब्बत में, कि वो एक मंजिल है, उस तक पहुँचना है। तो जब आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो हम उसको, उस सिलसिले को और उस सफ़र को तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसलिए उसको नाकामी कहते हैं कि उसमें जो है वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, या मोहब्बत तो ख़त्म ही होती रहती है, लेकिन लाजमी बात है वो चीज़ फिर आपके पास जब आपको हासिल ही नहीं हुई तो वो आपकी हुई नहीं। तो ला हासिल मतलब होना अच्छी चीज़ भी है, ये अच्छी शायरी करवाती है ला हासिल होना। अच्छा, मेरी ज़ाती तौर पर तो मेरे पर बहुत फ़र्क पड़ा, जब मैंने ये मोहब्बत की के मामलात में था और सारे मामला ठीक थे, तो शायरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। अच्छा, और उसके बाद जो है फिर शायरी का एक मामला मैच्योर हो गई उसके बाद, क्योंकि शायरी को फिर ज़रा ज़्यादा फिर किसी से गुफ्तगू ही नहीं कर सकते थे, तो फिर आप ज़्यादा शेर में ही अपनी बात करते थे। ठीक है, फिर ये नाकामी भी ज़रूरी है, ये बताएं मोहब्बत के लिए ओपन हार्टेड हैं अभी कि फिर आए मोहब्बत तो एक्सेप्ट करूँगा? एक अजीब सा सवाल है और इसमें जो है वो लाजमी बात है कि हमारे दिल के दरवाजे बंद तो नहीं हो सकते कभी भी आपके, लेकिन ये आपके इख्तियार में नहीं होती, तो ना इसका कोई वक्त मुकर्रर होता है,
तो कोई टाइम डेट और आपको मैं कैलेंडर नहीं बना के दे सकता। अच्छा साहिब भाई, वापसी का रास्ता रखते हैं आप जिंदगी में भी, शायरी में भी, बाकी मामले में, हर मामले में माफ करना दोस्तों को, या एक वापसी का एक रास्ता दरवाजा होता है? अच्छा, मेरे मिजाज में ऐसा कम है। अच्छा, मैं मतलब किसी से अगर मेरी दोस्ती, मेरा सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है और तकरीबन जितने भी शोरा हैं मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, मेरे सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मेरे मिजाज में थोड़ी सी सख्ती है कि मैं बस एक दफ़ा दोस्ती करता हूँ, फिर दोबारा नहीं ज़्यादा उस दिल से मिला जाता। शायद ये हर आम सी एक, वैसे तो ये फितरी अमल है, हर इंसान में होता है, लेकिन कईयों के दिल बड़े होते हैं, मेरा कोई इतना बड़ा दिल नहीं है। सही है। अच्छा, शायरों की बात हुई तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, मुशायरे और आप अच्छे शेर को, अच्छे शेर कहने वालों को, रिगार्डलेस ऑफ के वो कौन है और क्या, आप शेर की कहने की बेसिस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इसके लिए कहाँ से इतना इस मामले में इतना बड़ा। अच्छा, इसमें इस तरह है कि मैं क्योंकि खुल के बात करता हूँ कि हम लोगों ने ना इतने सालों में ये देखा कि बहुत से सीनियर शायर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपस में कुछ दोस्तों को प्रमोट करते थे, आगे लेके जाते थे, मुशायरों में लेके जाते थे। 2010-12 तक तो हमें नहीं पता था कि बाहर भी मुशायरे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुशायरों में हम जाते होते थे। और उसके बाद जब हमें पता लगा कि बाहर भी मुशायरे होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ही हैं, कुछ नाम निहार से सीनियर हैं और हमारे सब लोग जानते हैं, और जो कभी प्राडो पे मुशायरा पढ़ने जा रहे हैं आजकल, और फिर कभी बाहर अगर जा रहे हैं तो उस प्राडो वालों के साथ लेके जा रहे हैं, तो ये कुछ लोग जो हैं, ये मैं नाम लेने में भी मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं इज़्ज़त करता हूँ, बुजुर्ग हैं हमारे, तो उन लोगों की वजह से मैंने ये सोचा, और मैंने अकेले ने नहीं ये सोचा, ये मेरा और तहजीब का, आपको पता होगा कि तहजीब हाफी का और मेरा ये इकट्ठा हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम दोनों ने ये सोचा। क्योंकि जब तहजीब पहली दफ़ा बाहर गया तो तहजीब जब वापस आया ना, तो आप देखें कि तहजीब के बाद अंदाज़े बेऔर में बहुत से नए शायर आप खुद गए। मैं गया, मेरे से पहले उमैर नजमी गए, अमार इकबाल गए, बहुत से लोग यहाँ से गए मुशायरे पढ़ने, और वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस तहजीब हाफी की थी। अब बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करना, या कम से कम वो लोग खुद भी सुन रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, तो उस हवाले से थोड़ा सा दरवाज़ा खुला नए लोगों का आगे आने का। हमने सोचा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं, जिस तरह सीनियर शोरा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो डिज़र्विंग हैं, लेकिन उनको वो आगे नहीं आए। जिस तरह हमने एक मुशायरा कराया अंदाज़े में, अपना अज़राह सुखन का एक मुशायरा करवाया हमने आपने अल्हम्रा में, तो उस मुशायरे में हमने अख्तर शुमार साहब की सदारत कराई, तो एक चीज़ की इतनी खुशी हुई कि जब उन्होंने वो गज़ल पढ़ी अपनी, उसको खोकर तो मेरे पास बचा कुछ भी नहीं, तो ऑडियंस सारी की सारी इतनी दाद दे रही थी क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा वो शख्स सामने देखा था जिसकी ये इतनी मशहूर गज़ल, उन्होंने सिर्फ नुसरत साहब से सुना हुआ था। तो ये खुशी हुई कि हम उनको इतना आगे लेके आए कि हमारे उन मुशायरों के बाद उनको बहुत सारे मुशायरों में लोगों ने बुलाना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू किया, और ये दिल बड़ा इस वजह से है कि हम लोगों ने ये थोड़ा सा एहसास इस चीज़ का हमारे में है कि हम लोगों के साथ जो है वो बाकियों के साथ। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने बात की कि शायरी में ग्रुप बंदी का शिकार होता है जिससे शायरी मुतासर होती है, ज़रूरी है कि किसी, आपने अगर मुशायरों में जाना है तो आपको किसी खास ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये अब आजकल के माहौल में ज़रूरी हो गया। हालांकि हम लोग जो मुशायरे करवाते हैं हम उसमें बड़े ही साफ दिल से, जिससे हमारी बेतहाशा, जिसने हमें बहुत सारी कई दफ़ा सोशल मीडिया पे हमारे मुखालिफ गालियां भी लिखी, हमने उसको अपने मुशायरे में चार चार दफ़ा बुलाया, हमारे दिल में ऐसा कोई मसला नहीं। तो ये जो दूसरे यहाँ पे, अब लाहौर में आप देखें जीसी यूनिवर्सिटी का मुशायरा होता है, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का, वही एक दो बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ उनके बैठने वाले कोई 70-80 शागिर्द हैं, और इनका आपस में ही कि हमने इनको बुलाना है, उनको नहीं बुलाना, तो इस लिहाज से ये मुशायरे जो हैं सारे जाते हैं। दो चार शायरों के अलावा जो कि जाहिर है कि जिनका होना बहुत जरूरी है या जो एक तरह से बानियान में से हैं, नए शायर होते हैं, चाहे वो सीनियर होंगे चाहे वो जूनियर, अच्छा लिख रहे हैं, हाँ, अच्छा। और वो सुनाते भी नया है। और ये बेसिकली सीधी सीधी सी बात थी कि जब हमने शुरू में ये ऐसा करवाया ना, हमने ये सोचा कि ये अली जरियून भाई और तहजीब और अमार इकबाल और उमैर भाई, ये लोग ना जरूरी हैं, इनकी वजह से ही बाकी 6-7 नए लोगों को लोग सुन लेंगे क्योंकि ये उस मुशायरे में होंगे। तो
और ये आप लोगों को भी इंटरव्यूज में भी डिजर्विंग लोगों को बुलाना चाहिए। ये आज आप इसीलिए तो मौजूद हैं आज हमारे साथ, क्योंकि हम बड़े अरसे बाद अदाकारियां पे भी हमारा यही गोल है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे जरूरी चीज शेर की अगर बात की जाए, आपके नजदीक अच्छे शेर की तारीफ क्या है, किसको आप अच्छा शेर समझते हैं? ये आपको तो लाखों लोग सुनते हैं, आप किसको पढ़ते हैं सुनते हैं शौक से? अच्छा शौक से तो बहुत सारे शोरा मैंने तो पढ़ता जाता हूँ। अच्छा। और मेरे से गज़लें बहुत कम होती तो पढ़ने का शौक जिस तरह मैंने अपने पास बहुत सारे इंतखाब भी लगाए, अपने सोशल मीडिया पे भी मैंने इंतखाब लगाए लोगों के, मुख्तलिफ लोगों तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह आम तौर पे आप देखें तो सब नाम लेते हैं, मेरे भी वही पसंदीदा शायर हैं, जमाल साहब हैं, सरवर साहब हैं, लेकिन मेरे तनवीर सिपरा साहब और राम रियाज साहब ये भी मेरे पसंदीदा हैं। तो ये रंग थोड़ा सा जिसमें कोई वो मौशी हवाले से कुछ लोगों की बात करना, राम रियाज साहब या तनवीर सिपरा साहब, तो उस हवाले से भी मुझे ज़रा मेरा मिजाज बना है उन लोगों को पढ़ के। तो बहुत सारे शायर जिस तरह अहमद फराज साहब और मुनीर नियाज़ी साहब को सब ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, हमें बहुत अच्छे लगे हैं। और आज के दौर में जितने भी शायर हैं, अज़हर फराग मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। और अच्छा शेर है भी, अच्छा शेर की, हाँ अच्छा शेर, अच्छा शेर जो है मेरे मेरी नज़र में अच्छा शेर जो है उसको बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश शाहिद, आपका शुक्रिया। शाहिद जकी साहब का शेर है ना कि शौरी कोशिशें मंजर बिगाड़ देती हैं, वही भला है जो बेसाख्ता बना हुआ है, बेसाख्ता बना हुआ है। तो ये शेर जो है ना, अच्छा शेर वो होता है जिसमें कैफियत हो, जिसमें आप जिस शेर को सुन के थोड़ा सा अपने किसी गुमान में, अपने किसी मामले में चले जाएं। ये अच्छे शेर में कैफियत है, क्राफ्ट कम है। आप अगर सोचते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, जिस तरह कुछ अरूजिए होते हैं तो जिन्होंने वज़्न वज़ान ही सीखा है बस, तो फिर उनसे शायरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई कोर्स तो नहीं है, ये आपके अंदर एक बिल्ट इन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ये, अच्छा ये आपके अंदर एक बिल्ट इन प्रॉब्लम है, और ये जिसमें है वो कामयाब है, जिसमें नहीं है तो ये आप इसको बिल्ट नहीं कर सकते। सही, आप यानी कह रहे हैं कि शायर बंदा होता है, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, आप इस तरह नहीं कर सकते। ये मेरे हिसाब में ये सीधी सीधी सी बात है, मुझे नए लिखने वालों को क्या कहेंगे जो आजकल लिख रहे हैं, आजकल तो बहुत लोग शेर लिख रहे हैं और हम देख रहे हैं, बहुत खुशी होती है या इतने शायर कहाँ से आ रहे हैं। हमेशा एक बात करता हूँ और मैं मजाक में एक तंज करता हूँ कि 19 करोड़ पाकिस्तान में शायर हैं, 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी तो पाकिस्तान में। अच्छा ये तहजीब हाफी की वजह से ना 2018 में ये जो वायरल हुई वीडियोस वीडियोस ना, तो फिर बहुत सारे लोगों ने ना इसको एक प्रोफेशन समझ लिया। अच्छा अब 6 महीने या साल होता है आपको लिखना शुरू कर, और इनकी कोशिश होती है कि इनकी एक वीडियो लगे जहाँ ये दूर से चलते हुए आएँ और एक शेर पढ़ते हुए आएँ और गुजर जाएँ, पीछे उसको स्लो मोशन हो और पीछे कोई नुसरत की धुन लगी हो और अगले दिन इनके घर के बाहर फैंस की कतार लगी। तो ये सोच के अगर ये शायरी कर रहे हैं तो फिर ये करते रहे, इनको हम रोक तो नहीं सकते, इनको कौन रोक सकता है, ये रुकने वाले लोग ही नहीं है और ये करते रहे। कितना फीसद आपको लगता है अच्छा शेर लिखा जा रहा है नए लिखने वालों में, और कितना ज़्यादा ज़्यादा लोग तो जो हैं वो मेरे हिसाब में सिर्फ और सिर्फ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आपने दो पढ़ना ज़रूरी क्यों है, पढ़ने के लिए आपकी सबसे पहले आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, फिर आपका बिल्ड होता है। हाँ अच्छा उसके बाद सबसे ज़रूरी ये कि आपको मज़ामीन आप एक्सपोयर करते हैं कि कैसे कैसे मज़ामीन को कैसे कैसे किस किस शायर ने बांधा हुआ है, तो जब ये चीज़ें आपके जहन में होती हैं ना तो फिर जब आपके ऊपर शेर उतरता है ना तो एकदम बैकग्राउंड से चीज़ें उतरती हैं और उसको थोड़ा सा क्राफ्ट करके सीधा कर देती हैं ऑटोमेटिकली। आप जब मुंह से कहते हैं तो वो वजन में मिसरा होता है और अच्छा मिसरा होता है। तो ये लोग पढ़ते कम हैं, लिखते बहुत ज़्यादा हैं, तो लिखना कम चाहिए, पढ़ना चाहिए, हाँ, और लिखना नहीं चाहिए, यानी जब आए तब लिखें और उसके अलावा आप पढ़ें ज़्यादा और नई चीज़ कहें। आप अगर आपने भी सब ने वही एक कुछ बातें करनी है तो नई शायरी नहीं है ये, फिर ये चीज़ें साथ साथ खत्म होती जाती हैं, कितने सौ शायर। अच्छा ख्वातीन शोरा के बारे में बताएं कि आजकल जो लिख रही हैं दौरे हाजिर में, कौन आपको पसंद है, कौन नहीं पसंद, और एक थोड़ा सा ऐसा लिख रही हैं, एक जरा सा ये भी है इसके साथ ही, हालांकि आपका बनता था वैसे कि नॉर्मली देखा गया है कि जो मर्द शोरा है ये अभी की बात नहीं करता, हमेशा वाले से भी बात करो, वो ख्वातीन शोरा को उस तरह नहीं समझते, वो कहते हैं कि नहीं ये उस कैटेगरी में शामिल नहीं, ऐसा है ये क्वालिटी की वजह से है या ये वैसे है फर्क? अच्छा देखें इससे कोई बुरा मनाए या जिसको जो मर्जी लगे, ये मेरी राय है कि कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आता ख्वातीन में,
ठीक है। अच्छा, ख्वातीन में बेतहाशा हमारे सीनियर शोरा जो ख्वातीन को लिख के देते हैं, ठीक है, तो बेतहाशा ख्वातीन हमारे इधर आ जाती हैं जी कि हम भी शायर हैं। सो ख्वातीन में परवीन शाकिर बहुत अच्छा नाम थी। अच्छा, उसके बाद अभी अगर आप देखें तो हमीदा आपा बहुत अच्छा लिखती हैं, उसके बाद फरीहा नकवी के पास बहुत अच्छे शेर, आपको इस तरह ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैक्सिमम 5-6 नामों के बाद मैं आगे ले ही नहीं सकूंगा। तो क्या बुनियादी वजह इस बात की कि शायरा ख्वातीन कम है, क्या उनको मौके कम मिलते हैं या उनका आपको लगता है वो लिख ही नहीं सकती? क्योंकि अभी इन्होंने खुद एक बात की कि अज़ाहे सुखन में एक मैं अगर आपकी इजाज़त से एक मुशायरा आ रहा है जो कि सिर्फ ख्वातीन पर मबनी है। हम लोगों ने क्योंकि इस पर मैं आपको सीधी सीधी अपनी राय देता हूँ कि देखें ना, आप इसको शायरी के 30-40 साल के सर्कल में देखें तो आपको ख्वातीन जो शायरात हैं और जो आप जो मर्द शायर हैं और ख्वातीन शायरात हैं, इनमें आपको इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैं ये पूछूँ इसकी बुनियादी वजह क्या है तुम्हारे नज़दीक? बुनियादी वजह मेरे ख्याल में एक तो ख्वातीन हमारे शायद बहुत ज़्यादा शायरों में इस तरह बैठ नहीं सकती और वक्त नहीं गुजार सकती, मुशाहदे की कमी है, एक्सपोजर की कमी भी होती है ख्वातीन में। दूसरी बात यह है कि आप ना बैठती नहीं हैं। अच्छा, जो ख्वातीन इस तरह शेरी नशस्तों में जाती हैं, अदबी जगह पे बैठती हैं, बैठते बैठते उनका मिजाज बन जाता है। आप यकीन करें, जिनके मैंने नाम लिए हैं, फरीहा सबके साथ बैठती हैं, वो हमारे साथ जिन नशस्तों में भी बैठती थी, मुशायरों में भी बैठती हैं, और उसके अलावा हमीदा आपा की सिटिंग्स ही सारे दिन उनके अपने हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर सयाद साहब, वो खुद एक अच्छे शायर हैं, फिर उनकी सारी गैदरिंग ही शायरों में रहती है, तो वो अच्छा शेर कहती है। शेरी माहौल और शेरी माहौल में रहना जो है ना, वो एक प्लस पॉइंट है। तो वो जिन ख्वातीन के पास नहीं है, जिन्होंने महीने में 2 नशस्तों में जाना है या एक, तो वो फिर एक्सपोजर की जो बात है वो आती है उसमें। ये मसला, अच्छा, जो हमने ख्वातीन का मुशायरा राय सुखन में करवाने की बात की है, हम 10 ख्वातीन शोरा को शायरात को वहाँ पे पढ़ाएंगे, और ये हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये मुशायरा हम हर अपने 2 मुशायरों के बाद एक मुशायरा कराया करेंगे। 2:1 से तुम भी जा रहे हो। बेहतरीन। हम 2 की तरह नहीं, हम ना 2 मुशायरों के बाद, क्योंकि हम लोग क्योंकि मर्द शायर बहुत ज़्यादा है, तो हम हमारी ख्वाहिश होगी, ये हमारी कोशिश तो इतनी है, ख्वाहिश ये होगी कि हर एक मुशायरे के बाद हमें करवाना पड़े और इतनी ख्वातीन शायरात सामने आ जाए। लेकिन अगर कोई इसको देख के और इन चीज़ों को देख के फील करके शेरी माहौल में आती हैं ख्वातीन और शेरी माहौल से अच्छा शेर कहती हैं, तो अज़राए सुखन का प्लेटफॉर्म तो उनके लिए हाजिर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट। सवाल कुछ कुछ सस्ते सवाल पहले वाले भी बेहतरीन थे, अब सवाल सस्ते होंगे। हाँ, सवाल सस्ते होंगे, आपके जवाब महंगे हो सकते हैं, यकीनन महंगे होंगे। मुझे बताएं कि झूठी दाद देते देनी पड़ती है? बड़ी मजबूरी से 2 जगह दी है। अरे याद है आपको, 1-2 जगह दी है, थोड़ी जगह दी है, वरना मैं बाहर निकल जाता हूँ, सिगरेट विगरेट पी जाता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा शायर है जिंदा या मुर्दा कोई भी जो आपको मिले तो आप कहें कि यार क्यों, तुमने क्यों शायरी में कदम रखा? जिंदा में तो बहुत सारे हैं। अच्छा, मुर्दा में तो जो है अब क्या मिलना है, जिंदा में बहुत सारे हैं, और किसी का नाम लेना जरूरी है? हाँ। कि तुमने शायरी में कदम क्यों रखा, कुछ और कर लेते तो अच्छा। कुछ और कर लेते, अपना जुबैर कैसर साहब हैं। अच्छा, तो मैं उनसे मेरी गुजारिश भी है कि ना करें ना करें। अच्छा, अगर कुछ शायरों को आप मशवरा देना चाहें, जी कोई भी मशवरा उनकी जिंदगी के बारे में, शायरी के बारे में, कुछ उनको क्या देंगे? मैं शुरू करता हूँ, अगर नामों के हवाले से बात किया जाए तो अज़र फिराक भाई को आप पसंदीदा शायर क्या मशवरा देंगे? अज़र फिराक भाई जो है ना, वो उनको यानी उनको वो क्या काम करें शायरी के अलावा, जो है वो जर्सियाँ बदलें, क्योंकि वो हर तकरीबन मैं 7 जो है ना सर्दियों से देख रहा हूँ कि वो 2 जर्सियों में उन्होंने कोई 41 मुशायरे पढ़े, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा ज़रा वो चेंज करें, जर्सियाँ बदलें। फरीहा नकवी को क्या मशवरा देंगे? फरीहा नकवी को ये मशवरा है कि अगली दफ़ा आप अपनी बात पूरी करें और अज़राए सुखन में आएँ। बिल्कुल ठीक है। अली जरियून भाई को क्या मशवरा देंगे? अली भाई को ये मेरा ये मशवरा है कि आप खुश रहें, बस खुश रहें, आप लव आदमी। अच्छा, खुश रखें,
खुश, उनसे सारी दुनिया खुश है। कौन खुश नहीं है दुनिया से। हाफी का भी फिर बताएं, तहजीब हाफी को क्या मशवरा देंगे? तहजीब हाफी को मेरा मशवरा ये है कि बस वो हमसे जो है ना पाकिस्तान से बाहर जो मुशायरे पढ़ने जाता है थोड़ा कम अरसे के लिए जाया करे, फिर आ जाया करे। दिल दुखता है भाई। कोई ऐसी हरकत जाहिद भाई जिस पे शर्मिंदा हूँ आपके आज तक, यार ये मैंने क्यों की? पब्लिक सरेआम मैंने ये ना एक जगह जो है वो नून लीग के जलसे में, अच्छा, सरगोधा में भूख बहुत लगी हुई थी और खाना खाया था, अच्छा, और मैं इस पे बहुत शर्मिंदा। अच्छा ये आपने सियासत की बात की, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायर को तो इन हवालों से अलग होना चाहिए, समाजी मसाइल सियासी मसाइल उसको सरता पास शायर होना चाहिए, रोमानवी शायरी और इस पर बात करनी चाहिए, आपका क्या राय है? शायरी चाहिए? नहीं नहीं, वो कुछ लोग, इस शायरी का इससे ताल्लुक ही नहीं है कोई, अच्छा, किसी किस्म का, अच्छा, वो कुछ लोग जो हैं, मैं बेवकूफ़ का लफ्ज़ इसमें आप चला देते हो, हाँ बेवकूफ़ हैं वो कुछ लोग, अच्छा, वो जो ये बात करते हैं, क्योंकि शायरी रोमानवी हवाले से सिर्फ नहीं हो सकती, ठीक है, शायरी जो है वो उसमें आपकी ज़िंदगी का माशी हवाला है, आपका आपका सियासी हवाला है, आपका सोसाइटी, आपके हमसाए तक डिस्कस होते हैं शायरी में, तो शायरी में तो आप कहीं से भी कुछ भी जो है वो कशीद कर सकते हैं, आप किसी भी कैफियत से कुछ भी कशीद कर सकते हैं, सियासी कैफियत से भी। बहुत सारे शेर भी हैं, मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब के शेर हैं, फिर हमारे आप देखें फैज़ अहमद फैज़ साहब कितने अच्छे शायर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भी की हुई हैं, और इस हवाले से मेरा ख्याल है इसमें शायरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जो लोग बिलावजह आपके मामलों में दखल अंदाजी करते हैं उनको क्या कहना चाहिए? कुछ लोगों को क्या कहते हैं? मुझे शट अप कॉल कहना बहुत अच्छा लगता है, यार ये लफ्ज़ मुझे अच्छा लगता है यार, शट अप कॉल, यार दे देते हैं शट अप कॉल इजीली। हां बिल्कुल, टाइम पे। अच्छा भी आप बाहर भी पढ़ के आए, मुल्क के अंदर भी जाहिर है फैंस की जो आप सोशल मीडिया है तो वो आप तक पहुँच जाते हैं, अगर मिले ना भी तो उनके पैगाम पहुँच जाते हैं। कोई ऐसी हरकत किसी फैन की जानिब से जो आपको याद हो गया, ये मजा आया हुआ आपको, एंजॉय किया हुआ आपने, क्या बात? यार अभी कोई इतने ज़्यादा बने नहीं है फैंस। नहीं नहीं कोई ऐसा लेकिन बाकी फैंस के हवाले से यानी इस तरह अगर कोई एक मतलब अभी एक मुल्तान में जो हम राय सुखन मुशायरा करा के गए हैं ना, अच्छा, तो वहाँ पे आम काट के लाया था एक मेरा फैन मेरे लिए। लड़की फैन थी या लड़का? नहीं लड़का फैन था, और उसने मुझे देखा है कि मैं सिगरेट पी के भूख में तड़प रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर मुझे जो है ना, तुम सारी गर्मियाँ रोते रहे हो, अगर मुशायरे में आते हैं आपको बताएं हमने हर शायर को दो दो पेटियां दी। तुम आइंदा मुझे किसी और ऑर्गेनाइजर में बुला लेना, ठीक हो, ताकि मुझे पेटी मिले। कुछ अगर आप ऐसा सुनाना चाहें जो भी आपने या तो कम सुनाया हो, अगर ना सुनाया हो तो क्या ही बात है, अगर कम सुनाया हो तो। अच्छा ये गजल है जी। एकदम पकड़ लिया किसी ने हाथ ख्वाब में, एकदम पकड़ लिया किसी ने हाथ ख्वाब में, छत से गिर रहा था मैं गुज़िश्ता रात ख्वाब में, छत से गिर रहा था मैं गुज़िश्ता रात ख्वाब में, सोते सोते हंस रहा है एक गरीब आदमी, पूरी कर रहा है सारी ख्वाहिशात, सोते सोते हंस रहा है एक गरीब आदमी, पूरी कर रहा है सारी ख्वाहिशात ख्वाब में, क्या बताएं किस तरह हमारी नींद उड़ गई, क्या बताएं किस तरह हमारी नींद उड़ गई, क्या बताएं क्या हुआ हमारे साथ ख्वाब में, क्या बताएं क्या हुआ हमारे साथ ख्वाब में, और ऐसे लग रहा है कोई दूर होने वाला है, ऐसे लग रहा है कोई दूर होने वाला है, पेश आ रहे हैं जैसे वाकयात ख्वाब में, पेश आ रहे हैं जैसे वाकयात ख्वाब में, पहली बार सो रहा था मैं बड़े सुकून से, पहली बार हो रही थी तुमसे बात ख्वाब में। वाह वाह यार बहुत अच्छा, ख्वाबों में बड़ा अच्छा। क्या अच्छा ख्वाबों के बारे में ये बताओ कि मैं तो इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, तुम क्या समझते हो ख्वाब हकीकत, कितना परसेंट ख्वाब हमारे साथ होते हैं? बहुत देखते हैं हमारी जिंदगी में, बड़े ख्वाब ताल्लुक होता है, बहुत ख्वाब आते हैं और मुझे इतने मजे ख्वाब आते हैं, किसी में मैं मर रहा होता हूँ, किसी में मेरे घर वाले, हाँ किसी मेरे घर वाले, किसी एकदम यार कभी कोई मरा नहीं, पता नहीं मैंने पहले ही जाग आ जाती है। हाँ यही होता है ख्वाब में, बंदा मरते हुए देख नहीं सकता है। लेकिन मैं एक दफा ना बहुत ऊंचाई से जरूर गिरता हूँ, कई दफा बहुत ऊंचाई से, हाँ बहुत ऊंचाई से मैं जो है ना वो बहुत गिरता हूँ, और तब मुझे बड़ी सवाल थोड़ा सा ये कर लिया जाए कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद शायरी के शोबे में मतलब रहते हुए, शायरी के मैदान में रहते हुए, क्या ख्वाब है आपका, किस तरह का बनना चाहेंगे,
क्या हो जाहिद मशीन का नाम? अच्छा, शायरी के अलावा भी कोई ख्वाब है तो बता सकते हो? मैं सबसे शायरी के हवाले से तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है। शायरी तो इस तरह खुद ही सफ़र है जो चलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो जो ख्वाब है ना, वो मेरा ख्वाब ये है कि मुझे बस दो साल डेढ़ दो साल और काम करना पड़े। अच्छा, उसके बाद मुझे काम ना करना। अच्छा, तो इस ख्वाब के लिए मैं डेढ़ दो साल बहुत मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहे हैं? बस फिर मैं घूमूंगा फिरूंगा। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। घूमने फिरने से मुराद मुझे मेरी ये नहीं है कि मुझे ऐसे पहाड़ देखने का शौक है, या यानी दोस्तों के पास जाने का बहुत शौक है। यानी हम जाएंगे, हम लोग पेशावर जाएंगे, हमारे दोस्त रहते हैं, फैसलाबाद जाएंगे। हालांकि मुल्तान हम गए हैं अभी इतनी गर्मी में, क्योंकि हम दोस्तों के पास जाएंगे तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारने का, वक्त गुजारने का, ये मेरा ज़रा है कि 10 से 15 साल मुझे मिल जाए, ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब। अच्छा, एक वही सवाल अगर आपके जहन में को हो गया, ये सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये तो पूछ लिया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहीं पैगाम पहुँचाना हो, कुछ भी। हाँ, अच्छा, बात किसी भी जो कहनी हो किसी को। आपके बंदों को बताएं, किसी को किसी की अगर करनी है आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि किसी बंदे का अगले मुशायरे नहीं आ। कौन सा ऐसा शायर है आपकी नज़र में जो कि बहुत पहले पहले जब बहुत कम लोग जाते थे, अब तो आप सब जाते हैं, वो उसने जाना शुरू किया और उसके बाद उसने किसी ने रास्ता बंद भी किया होगा, किसी ने रास्ता खोला भी होगा दूसरे लोगों के लिए, ऐसे आप लोग दूसरे लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं, तो है कोई ऐसा नाम मुझे? अच्छा, रास्ते रोकने और खोलने से तो खैर एक, लेकिन एक तारीख ही है कि यानी शुरू शुरू से मतलब बहुत सारे शोरा के नाम जाना शुरू हुए। ताउला कासमी साहब जाते थे, वो तो खैर चलो पीटीवी के और उसके सारे और एक सियासी उसका सारा उनकी वाबस्तगी, तो वो तो पता नहीं क्या क्या रहे हुए। ठीक है, जाना शुरू किया और अभी तक जा रहे हैं जी। तो उन साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेके गए, बहुत से लोग सबको ही पता है। तो सबसे ज़्यादा रास्ता इसमें रोकने की बात तो नहीं, लेकिन लाजिम बात है जब आप ऐसे लोगों को साथ लेके जाएंगे जिनको जो डिज़र्विंग नहीं है, तो नहीं। दूसरों का रास्ता ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाता है। तो एक अरसा तो रास्ता रुका रहा, क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पता नहीं कुछ कोई वहाँ पे जाते रहे। तो अब जो है लोगों ने हम जैसे या और हमारे जैसे आम शायरों को बुलाना शुरू किया जो यहाँ पे थे, जिनकी शायद आगे शायरी नहीं गई हुई थी। तो अब रास्ते खुलने का सफ़र तो अब शुरू हो चुका है। तो रास्ते बंद ये थे कि वो लोग जा रहे थे जिनका जाना बनता नहीं। सोशल मीडिया भी चुके हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का कितना किरदार है? ना होता तो आप लगता है कि आज आप नहीं थे, आपके शेर पहुँचे? ये सारी शायरी की ये गुफ्तगू, ये जितनी भी गुफ्तगू शुरू हुई है ये हुई शायरी पे सोशल मीडिया के ऊपर है। वरना तो आप किसी से, यानी अगर मैंने किसी के बारे में कोई कमेंट करना है या कोई बात करनी है जो फैल जाए एकदम, तो मेरे लिए कोई, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो वो बस 20-25 लोगों में बैठ के मैं बात कर सकता था। अब मैं एक जगह पे कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ और उसके ऊपर लाखों लोग देख सकते हैं और उसके ऊपर लाखों लोग अपना रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे लोग मेरी, ठीक है, सोशल मीडिया की बात होगी तो टिकटॉक के बारे में पूछूंगी। टिकटॉक स्टार्स के बारे में क्या राय है, कोई पसंद है? जैसे आप एक वीडियो की भी बात कर रहे थे कि वीडियो ऐसे बनती है। टिकटॉक स्टार्स है आपका अकाउंट? मेरा अपना अकाउंट है। अच्छा, और टिकटॉक स्टार्स में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वो फुल्लू आता है। फुल्लू मुझे इतना पसंद आता है क्योंकि फुल्लू अब उसका बेटा आ गया, वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, वो मुझे फुल्लू बहुत पसंद है। और ये आपको लगा कि टिकटॉक भी फायदा, टिकटॉक करते हैं, टिकटॉक पे शायरी करते हैं उसका? जो टिकटॉक के लोग शायरी करते हैं वो मतलब लाजिम बात है वो शायर तो नहीं है, दूसरों के शेर बिगाड़ते हैं, दूसरों के शेर पढ़ रहे होते हैं तो वजन में भी नहीं पढ़ रहे होते। तो खैर अगर पढ़ भी रहे हैं तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ते रहे, फैल ही रहा है, कोई इसमें मसला। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इतना मजा आया, हमें उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा। आपने ये बता दो आपने तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस? मुझे असल में सबसे पहले मैं बताऊँ की मुझे शौक था कि मैं अदबकारियाँ पे इंटरव्यू दूँ, और क्योंकि मैं आप लोगों के सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और मुकम्मल देखे हैं, सब सुना है उसमें। और सुहेब मुगीरा आपको पता होगा, जिसने जो है अपने एक मतलब अगर आप उसका शनाख्ती कार्ड देखें सुहेब मुगीरा का, तो वो एक ऐसे इलाके से है जिनको मतलब कोई जॉब ना दे और वो यहाँ लोगों को जॉब्स दे रहा है। तो मतलब ये दो सवाल मैं करूँगा, यानी मैंने इधर देखे सारे इंटरव्यूज और मुझे बड़ी खुशी थी, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा करते हैं दोनों, और फिर अपने दोस्त हैं आप लोग। अच्छा, हिस्से मिजा आपने मतलब जो आपके फैन हैं लोग, एक तो आपके लोग शायरी के फैन, आपके हिस्से मिजा के लोग, ये कहाँ से आई? मतलब ये बचपन से ऐसे हैं आप या बैठक ऐसी मिली या क्या हुआ?
अच्छा कई दफ़ा ना इस तरह होता है कि हम जब 7, 8, 10 लोग बैठे होते हैं तो कुछ बातें हमें चुटकले या इस तरह की बातें याद आ जाती हैं, वो ठीक है। हम ना शुरू से ही ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, वो सीधी सीधी सी बात होती है। अब उस पर कई दफ़ा मैं और हाफी मतलब अकेले बैठे होते हैं ना, तो मैं कोई बात करता हूँ तो वो अकेला हंस पड़ता है। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ 6-7 बंदों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी आम गुफ्तगू है। तो मेरे लिए तो ये एक आम गुफ्तगू होती है। सोशल मीडिया पे टैग करके दोस्तों को जुटते लगाते हैं, ऐसी शानदार वो एक चीज़ होती है, कमेंट्स होते हैं कि आपको मतलब मजा आ जाता है, मूड अच्छा हो जाता है आपका। अच्छा, कोई आखिरी सवाल है, वो ऐसा टैलेंट जो कि लोगों को ना पता हो आपका? मैं पाकिस्तान की अंडर-19 टीम का फुटबॉल प्लेयर रहा हूँ। और मैं फुटबॉल का, मुझे एक पैशन रहा है एक अरसा। अच्छा, और डेरा गाजी खान में मैंने खेला है, और वहाँ पर मैंने क्लब बनाया, रजिस्टर कराया, और पाकिस्तान लेवल तक मैंने खेला है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है फुटबॉल। मैं हर वर्ल्ड कप जब हो रहा होता है तो छुट्टी लेके बैठता हूँ, और मैं हर वर्ल्ड कप का मैच जो होता है उस टाइम कुछ भी हो जाए, कोई क्लब कोई टीम फेवरेट आप? मेरी सबसे फेवरेट टीम जो है फ्रांस है, तो क्लब में मेरा चेल्सी मेरा मुझे पसंद। सही है। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ है कि जुगतों का जिक्र हो रहा है, इसलिए कुछ लोग बताती हूँ उनको, तुम क्या जुगत मारते थे मारते तो पॉलिटिकल वो है, तो लोग मुझे एमी नून ली के एमी गालियां, आपने गालियां पढ़वानी है मुझे? नहीं नहीं, फिर हम एक पीटीआई का भी पूछ। हां चलो, अच्छा पीटीआई का पहले पीटीआई का पूछते हैं। रन उस पे एक जो बदला है इसको है ना, वो एक वो बांदर है, बहुत चलाक बनने की कोशिश है, किकर च फंस जाना। पर की जड़ी कुकड़ी है ना, वो सुबह सुबह एवं ही बेरी च फसी होंगी है, पता नहीं होता किसी अजाना दे टाइम समझ नहीं आई सारी जिंदगी उन्होंने मतलब कि आपको जुगत तो नहीं लगा सकता, बहुत सीनियर शायर हैं, मुझे पसंद हैं, लेकिन जो है अब साथ में बताइया है कुछ सफ़र भी हैं। अच्छा, तो उर्दू वाले सर? हाँ उर्दू वाले सफर है। उर्दू वाले जो है वो एक दफा मुझे उन्होंने दावत पे बुलाया। अच्छा, कि आज आए तेन रोटी खवावा। अच्छा, मैं कह चलो यासर ब्रोस्ट इधर ठोकर पे, आप तो नहीं खा गए। यासर ब्रोस्ट ठोकर पे बैठे। अच्छा, तो उन्होंने शाही दाल मंगवा ली, मैंने कोई मुर्गी शुर्गी सोची हुई थी। अच्छा, तो बस फिर वहाँ ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।